हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स स्टैंडर्ड सिक्स इस बुक का पार्ट टू, जो कि है एसेस। इसके पहले हमने चैप्टर 24 जो कि ग्रामर का पोर्शन था वो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसे। इफ आई वर रिच, यानी कि अगर मैं पैसे वाली होती या होता। इफ आई वर रिच द फर्स्ट थिंग आई वुड डू वुड बी टू बाय अ बिग हाउस। अगर मैं रिच होती तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट चीज करती थी वो क्या करती थी, एक खरीदती थी बड़ा हाउस, यानी कि एक बड़ा घर में खरीदती थी। मम्मी वुड हैव अ वॉशिंग मशीन, मम्मी के पास में क्या होती थी, कपड़े धोने के लिए जो मशीन आती है वॉशिंग मशीन वो होती थी। बोथ मिनी एंड आई वुड हैव अवर ओन स्टडी रूम्स, यानी कि मेरे पास और मिनी के पास, हम दोनों के पास में अपना स्टडी रूम होता। वी वुड हैव अ सेपरेट प्लेसेस इन द हाउस फॉर अ फ्रेंड्स टू कम एंड प्ले, हमारे घर पे एक अलग सी जगह होती दोस्तों के आने के लिए और वहां पर खेलने के लिए। आई वुड हैव माई ओन क्रिकेट किट, मेरे पास अपना खुद का क्रिकेट किट होता। मिनी वुड हैव अ कैबिनेट टू कीप हर टॉयज, और मिनी के पास में क्या होता था, उसका खुद का एक कैबिनेट होता था, एक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना शेल्फ के जैसे होता था, जहां पर वो अपने क्या रख सकती थी, टॉयज रख सकती थी, खिलौने रख सकती थी। वी वुड हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, हमारे पास में क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर गार्डन होता। देयर वुड आल्सो बी अ लवली क्रिकेट ग्राउंड, और क्या होता है, एक लवली क्रिकेट ग्राउंड भी होता। मिनी एंड आई वुड हैव अवर ओन बाइसिकल्स, हमारे पास में क्या होती है, हमारे दोनों की अलग अलग एक बाइसिकल होती है, यानी साइकिल होती है। डैडी वुड हैव अ कार, डैडी के पास में क्या होती है, कार होती, सो दैट ही कुड गो टू वर्क कंफर्टेबली, सो वो अपने ऑफिस प्लेसेस पे आराम से जा सकते थे। इट इज नॉट दैट आई एम अनहैप्पी विद द लाइफ आई लिव नाउ, ऐसा नहीं कि मैं अभी क्या हूँ, अनहैप्पी हूँ, यानी अभी मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से। डैडी ट्राइज हिज बेस्ट टू गिव अस अ कंफर्टेबल लाइफ, डैडी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमको एक आरामदायक जिंदगी दे। बट एट टाइम्स आई फील दैट थिंग्स वुड बी स्लाइटली बेटर विद अ लिटिल मोर मनी, बट कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ी और अच्छी होती तो अगर हमारे पास में पैसे होते। बट एज सून एज सच अ थॉट कम्स टू माई माइंड आई रिमेम्बर माई ग्रैंड पास एडवाइस, बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव, मेरे दिमाग में जब ऐसे ख्याल आते हैं तो मुझे क्या याद आता है, मेरे ग्रैंड पा की जो एडवाइस थी, जो सिख थी, वो याद आती है कि बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव, जो आपके पास में है उससे कंटेंट रहो, मतलब सेटिस्फाई रहो। तो बच्चों, ये जो कंपोजिशन था ऐसे था सिक्स स्टैंडर्ड के लिए, इफ आई वर रिच, वो फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी बुक का चैप्टर क्रुएलिटी टू एनिमल्स। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल।